It's time to drift. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल। मैं हूं कारकिड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू। ये है फोर्ड की मस्टैंग 2024। ये फोर्ड मस्टैंग की 7th जनरेशन है। सितंबर 14, 2022 को फोर्ड ने ये प्रीव्यू करवाई थी एक ऑटो शो में, और 2024 से ये मार्केट में अभी प्रोडक्शन मॉडल्स आना शुरू हो गए हैं। जब ये प्रीव्यू करवाई थी उन्होंने, तब उन्होंने कहा था कि दो वेरिएंट्स आएंगे, जो कि 2.3 लीटर V4 EcoBoost टर्बोचार्ज ये वाली V4 है, और एक GT500 जो ऑलरेडी 8 सिलेंडर आ रही है वो भी थी। तो लेटर ऑन उन्होंने बताया कि एक और वेरिएंट वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है डार्क हॉर्स। वो तकरीबन 500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। ये डार्क हॉर्स का बम्पर इसमें मैंने इंस्टॉल किया है। उसके बाद अभी कुछ रूमर्स हैं और कुछ न्यूज़ आई हैं कि GTD, फोर्ड मस्टैंग GTD एक वेरिएंट अनाउंस कर रहे हैं वो, जो लेट 2024 में या स्टार्टिंग 2025 में आ जाएगा मार्केट में। वो 815 हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस करेगी। सो फोर्ड ये कहता है कि उन्होंने ये मस्टैंग टोटली रीडिज़ाइन की है, एक्सटीरियर से इंटीरियर से। आपको देखने में शायद ये तकरीबन पुरानी जैसी लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास 2022 फोर्ड की मस्टैंग है और सेम EcoBoost है। उसका फ्रंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका फ्रंट डिफरेंट है, तो ये बॉडी लाइंस कुछ अलग हैं। और फोर्ड ने क्या किया है कि मसल कार जो है उन्होंने रिफ़ाइन करके एक मॉडर्नाइज्ड मसल कार का टच उसमें दिया है, और क्या कमाल लग रही है गाड़ी। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये गाड़ी है जी अफ्रीदी एंड कार रेंटल से। अगर आपको रेंट करनी है गाड़ी UAE में, कोई भी गाड़ी, इसके अलावा और बहुत सी गाड़ियाँ, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मेरा नाम लेंगे, रिव्यू का नाम लेंगे, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस की बात कर लेते हैं फोर्ड मस्टैंग 2024 की। ये 2.3 लीटर है, स्टार्टिंग प्राइस है इसकी $32,000 से। ये जंप कर जाती है $64,500 अगर आप डार्क हॉर्स वर्जन लेते हैं। लेकिन कुछ न्यूज़ और रूमर्स हैं कि जब GTD आएगी मार्केट में, जो 815 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तकरीबन $3 लाख से वो शुरू होगी। बहुत बड़ी अमाउंट है। UAE में इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 2,30,000 दिरहम से। ये जंप कर जाती है 3 लाख दिरहम तक। फोर्ड मस्टैंग का फ्रंट एग्रेसिव लुक, ये रिफाइंड लुक है, एग्रेसिव लुक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बम्पर है, मैंने जब गाड़ी ली है तो ये बम्पर मैंने चेंज किया है। ये डार्क हॉर्स जो आता है इसमें मॉडल, उसका बम्पर मैंने लगा दिया है। लेकिन 2.3 लीटर्स का भी मैं आपको पिक्चर पोस्ट कर देता हूँ। एग्रेसिव, रिफाइंड और वाइडर ग्रिल के साथ ये नया शेप आया है। नीचे आप देख सकते हैं, अगर आप ये बम्पर इंस्टॉल करेंगे, ये बम्पर लिप भी आपको आएगा। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें, ये लाइट्स, ये आइकॉनिक 3 बार LED है मस्टैंग की। ये यहाँ पे ऊपर LEDs हैं, लो बीम, फुल बीम, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो बोनट है इसमें लाइंस देखें, इसको कहा जाता है पावर डोम, मस्टैंग का कहते हैं। कि ये एक हिंट है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। तो ज़बरदस्त, अगर आपके पास V8 है तो ये बहुत ही अच्छा, क्लीन, ज़बरदस्त लुक, मस्कुलर लुक, मॉडर्नाइज्ड मस्कुलर लुक फोर्ड मस्टैंग का। तो इंजन में आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स के इंजन के ऑप्शन हैं। 2.3 लीटर्स EcoBoost टर्बोचार्ज इंजन, ये पुरानी जनरेशन में भी था, लेकिन ये मोर रिफाइंड, मोर ट्यून्ड इंजन है। फोर्ड ये क्लेम करती है कि फोर्ड मस्टैंग में सबसे पावरफुल V4 ये इंजन अभी तक दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी बहुत अच्छा पेट्रोल एवरेज देती है आपको। मैं 2 दिन से ये गाड़ी चला रहा हूँ और वाकई में कमाल एवरेज है इस गाड़ी की, इस पावर के साथ। तो ये है 2.3 लीटर्स V4 टर्बोचार्ज EcoBoost इंजन, और ये प्रोड्यूस करता है 315 हॉर्स पावर। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है तकरीबन 5.5 सेकंड्स में। अगर आप इस पावर से खुश नहीं हैं तो आप जा सकते हैं GT वर्जन के साथ, जो कि 8 सिलेंडर इंजन, वो प्रोड्यूस करता है जी 480 हॉर्स पावर। 4.0 टू 4.5 उसकी 0 टू 100 है। फिर अगर आप उससे भी खुश नहीं है तो आप डार्क हॉर्स पे जा सकते हैं। डार्क हॉर्स का ऑप्शन है, एक वेरिएंट आया है, उसमें 500 वो इंजन प्रोड्यूस करेगा, सेम V8 इंजन, लेकिन मोर ट्यून्ड होगा। अगर फिर भी आप खुश नहीं है तो आप वेट करें, लेट 2024 में, एंड ऑफ 2024 या 2025 के बिगिनिंग में द मस्टैंग GTD आएगी, जो 815 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी, और उसमें इंजन होगा V8 5.2 लीटर्स। व्हील पे आ जाते हैं। व्हील से शुरू करते हैं। ये है 2.3 लीटर V4 वर्जन। इसमें डिफरेंट व्हील्स आते हैं, GT में डिफरेंट व्हील्स आते हैं, डार्क हॉर्स में डिफरेंट व्हील्स आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के व्हील हैं आपके पास। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रोफाइल जो आपको साइड में गाड़ी की लग रही है, ये वही मस्कुलर लुक, लो लुक, शार्प लुक। और ये जो करेक्टर लाइंस हैं, इसमें शार्प लाइन ये देखें रनिंग ऑल ओवर द डोर, ये पूरे डोर से लाइन आ रही है और इवन कि ये फेंडर में भी जा रही है। तो इसको ये बड़ा मोटा सा वाइड फेंडर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एरोडायनेमिक्स का भी ख्याल रखता है और इस गाड़ी को साइड से एक बड़ी ही स्पोर्टियर लुक देता है और डायनामिक लुक देता है। तो रेयर की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंज जो है वो पीछे दिया गया है। ये बड़ा ही ब्रॉड और पावरफुल लुक इसको दे दिया गया है। यहाँ पे पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपको वाज़िया नज़र आ जाएगा कि ये नए मॉडल की 2024 मस्टैंग है। अनलॉक करेंगे, ये देखें, ये वर्टिकली ट्राई बार टेल लैम्प्स इनको कहते हैं। पुराना जो वर्जन था उसमें थोड़ी सी ऐसे एरोइश टाइप की लाइंस थी जो ऐसे एरो बनाती थी उसको दूर से देखने पे, लेकिन इसको टोटली वर्टिकल कर दिया गया है। और ये LEDs आप देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से जल रही हैं। यहाँ पे ये जो पीस है, ये जो पीछे का यहाँ पे इसको अंदर कर दिया गया है मज़ीद और नीचे से पुल किया गया है बाहर। ये है जी लोगो मस्टैंग का, आपको पता ही है। उसके बाद नीचे ये है नया बम्पर, इसमें सेंसर्स हैं, पीछे रिवर्स लाइट है और नए एग्जॉस्ट टिप्स हैं। एग्जॉस्ट टिप्स भी यहाँ पे ये डुअल आते हैं या वेरिएंट के साथ क्वाड एग्जॉस्ट भी आते हैं, 4 2 एक साइड में 2 एक साइड में। इस गाड़ी में स्पॉइलर नहीं है, ये है V4 वेरिएंट। लेकिन अगर आप दूसरे कोई वेरिएंट लेंगे जैसे GT वेरिएंट या डार्क हॉर्स लेंगे तो एक स्पॉइलर भी आता है यहाँ पे। बाकी इसका ज़्यादा स्लोप नज़र आ रहा है आपको, ये न्यू डिज़ाइन है, बहुत सारी चेंजेस पीछे की गई हैं। लेकिन एक मॉडर्नाइज्ड नया मस्कुलर लुक फोर्ड मस्टैंग 2024 का। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आ गए हैं जी मस्टैंग 2024 में। क्या ही ज़बरदस्त इसका इंटीरियर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्प्लीटली चेंज न्यू इंटीरियर है इसमें। सबसे ऑब्वियस चेंज जो आपको लगेगा, 12.4 इंचेस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, 13.2 इंचेस इंफोटेनमेंट स्क्रीन या टच स्क्रीन आप कह सकते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं। ये है जी इसकी की, टिपिकल पुरानी मस्टैंग की जो है, ये ऐसे आप रखेंगे यहाँ पे और यह है स्टार्ट स्टॉप का बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको। डोर्स में कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसका इंटीरियर चेंज है और बहुत ही अच्छा इंटीरियर लग रहा है। वो पुराने जो स्टाइल था काफ़ी सालों से चल रहा, वो ख़त्म हो गया है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो इसकी है, मैंने नोट किया कि काफ़ी थोड़ी स्लो है, काफ़ी देर बाद ऑन होती है। तो सबसे बड़ा ऑब्वियस चेंज इसमें दिया गया है, यह है 12.4 इंचेस की गेज क्लस्टर, डिजिटल एनालॉग वाला हटा दिया गया है। ये है टच स्क्रीन 13.2 इंचेस की। इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। स्टेयरिंग व्हील नया है इसका, स्ट्रेट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है इसका, यहाँ पे बटन्स हैं, इसके थ्रू आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने गेज क्लस्टर पे। वो कैसे, यहाँ पे मोड्स हैं, इसको आप मोड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मोड हैं, जैसे नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक, उसके बाद ड्रैग स्ट्रिप, स्लिपरी, कस्टम। जैसे जैसे मोड चेंज करते जाएंगे यहाँ पे ग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे और गाड़ी बनी हुई आ जाएगी डिफरेंट कलर्स के साथ और आपका जो थीम है वो भी चेंज होंगे। इसमें थीम भी आप चेंज कर सकते हैं अपने स्पीडोमीटर के गेजेस के। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे ये तो यहाँ पे एक मस्टैंग का बटन है जिस पे घोड़ा बना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया, अभी ऐसे मैं क्लिक करूँगा, ये सामने गाड़ी आ जाएगी। और इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं, यहाँ पे नीचे है क्लस्टर थीम। क्लस्टर थीम्स पे जाएंगे तो ये नॉर्मल करेंगे ऐसे तो ये नॉर्मल गेज आ गया। उसके बाद स्पोर्ट पे करेंगे तो ये गेज चेंज होके इस तरह के ग्राफिक्स आ जाएंगे। स्पोर्ट्स मोड पे, ट्रैक पे करेंगे तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक जो है गेज क्लस्टर का डिज़ाइन आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। काम पे करेंगे तो ऐसा काम आ जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा है फॉक्स बॉडी 87 to 93। तो 87 to 93 जो मस्टैंग आई थी 1987 to 1993, उसमें इस किस्म का जो है वो गेज क्लस्टर था, एनालॉग था। ये उसको रिफ़ाइन करके नया गेज क्लस्टर उसी शेप का, सेम डिटेल्स के साथ, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में दे दिया गया है ताकि आप रेट्रो जो गेज क्लस्टर का थीम है उसको एंजॉय कर सकें नई मस्टैंग चलाते हुए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइनी डिटेल है जो इन्होंने यहाँ पे दी है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्क्रीन पे, आप और इतना मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। क्रूज़ वगैरह की सेटिंग है और ये छोटी मोटी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं ऐसे, ये बटन्स ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, टायर प्रेशर वगैरह। और इस यहाँ पे एक और बटन है स्टेयरिंग पे, यहाँ पे जिस पे स्टेयरिंग व्हील बना है, इसमें आप अपने स्टेयरिंग के भी मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। जब हम ड्राइव करेंगे तो फिर मैं इसको चेंज करके देखूंगा कि क्या फीलिंग है, कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, ये मैं आपको तब बताऊंगा। टोटली नया इंटीरियर, टोटली नया डैशबोर्ड, लेकिन ये चीज़ पुरानी मस्टैंग से दी गई है। ताकि बैठे हुए आपको पता चले कि आप मस्टैंग के अंदर बैठे हैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। सारा का सारा ये पैनल चेंज हो गया है। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर ये सेटिंग्स वगैरह हैं इसकी, ठीक है। रेडियो, फ़ोन, साउंड, व्हीकल सेटिंग्स हैं। व्हीकल सेटिंग्स पे जाके आप कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद ड्राइविंग असिस्टेंस की सेटिंग्स हैं, कनेक्टिविटी है, एप्पल CarPlay एंड एंड्रॉयड ऑटो भी है इसमें। फिर उसके बाद जनरल सेटिंग्स में जाके आप अपनी लैंग्वेज वगैरह, ये वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की सेटिंग है, उसमें जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि सारा का सारा जो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग है वो स्क्रीन के नीचे दे दिया गया है। ऐसे करके आप क्लाइमेट कंट्रोल अपना सेट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, इवन के इसमें हीटेड सीट्स के भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा। और इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये नीचे जो बटन है, इसमें आप ये घोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैक एप्स, एक्सेलरेशन टाइम, और ये वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सिलरी गेजेस आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट चीज़ें शो करेगा, जैसे कि ये PSI है, एक्सेलरेशन है, और ये बैटरी की वोल्टेज वगैरह। कस्टम मोड्स है, इसमें आप अपने हिसाब से अपने मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। माय कलर है, इसमें आप गेज क्लस्टर के कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, डुअल कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लस्टर थीम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं ये नॉर्मल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ये इवेंट्स हैं। यहाँ पर ये कुछ बटन्स है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये शॉर्टकट है मस्टैंग का, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी की सेटिंग्स चेंज कर सकें। ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, और ये छोटे मोटे हैज़र लाइट्स के हैं। ये है रेडियो के लिए, तो ये आप इससे ऑन ऑफ और वॉल्यूम यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन है ये, कुछ छोटा मोटा यहाँ पे सामान रखने के लिए। ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, छोटा सा एक स्पेस है। टाइप C का पोर्ट, USB का पोर्ट, और ये 12 वोल्ट का पोर्ट है। ये है गियर लीवर, इसको आप ब्रेक प्रेस करके ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैनुअल, गाड़ी में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक भी मिल सकती है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है। ये हैं 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे ये है जी ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट, इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सीट्स इसकी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया दे दिया गया है। पीछे के सीट्स में आप या तो बच्चे बैठा सकते हैं या कुछ छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। तो यही है जी इस नई 2024 मस्टैंग के इंटीरियर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चलते हैं ड्राइव पे। मस्टैंग 2024 की मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस मस्टैंग को 2024 को, और इसकी आवाज़ सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो ये इस मस्टैंग की आवाज़ है 2.3 लीटर्स की। मोड्स को चेंज करके देखते हैं कि अगर कुछ आवाज़ में, अभी मैं स्पोर्ट्स मोड पर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ चेंज नहीं मुझे नज़र आया। और ड्रैग या ट्रैक में करते हैं, कुछ थोड़ी हल्की सी आवाज़ में फ़र्क आया है, वरना क्या इतना कुछ साउंड में फ़र्क नहीं है इसमें जी। ड्राइव में मैंने डाल दिया, इसको करता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, या ट्रैक मोड पे भी कर सकता हूँ, लेकिन चलें स्पोर्ट्स मोड से ट्राई करते हैं। तो ओके, सबसे पहली चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, जब बैठते ही आपने एक नया इन्वायरमेंट आपको मिलता है। मेरे पास पुरानी 2022 भी है मस्टैंग, सेम इंजन 2.3 EcoBoost है, लेकिन पुरानी मस्टैंग को ड्राइव करना ऐसा है जैसे कि आप कोई समझ गए होंगे, आप नहीं अच्छी ड्राइव उसकी, कंफर्टेबल नहीं है। 2023 तक जो मस्टैंग आई है, ये टोटली डिफरेंट मस्टैंग, टोटली डिफरेंट। पहली बार ज़िंदगी में मुझे मस्टैंग चलाते हुए अच्छा लग रहा है कि यार, मैं कहता हूँ हाँ यार मुझे मस्टैंग चलानी है। अदरवाइज़ मुझे कोई बोलेगा यार मस्टैंग चलानी है, मैं कहूँगा यार आप खुद ड्राइव करें, मैं नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही अच्छी जो है इन्होंने बनाई है, बहुत स्मूथ, स्ट्रेट बॉटम का इसका स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है, स्क्रीन्स दे दी गई हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है कैबिन के अंदर, सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पुरानी फील भी देती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव अभी तक जो इसकी लग रही है मुझे। इवन कि आप चलाते भी 7 मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये स्पोर्ट्स पे है तो मैं नॉर्मल करता हूँ इसको। अच्छा, चल जैसे ही आप मोड्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो गाड़ी कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करती है। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ी सी मुझे हैवी और थोड़ी सी जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, शोर मचा रही थी गाड़ी। अभी मैंने नॉर्मल पे किया है तो बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो गई है गाड़ी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, जैसे मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं मस्टैंग चला रहा हूँ। लिटरली मैं ये बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं मस्टैंग चला रहा हूँ, क्योंकि मस्टैंग जब आप चलाते हैं ना तो आपको पता चलता है कि हाँ यार आप मस्टैंग चला रहे, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें चेंजेस जो लाई गई हैं, सीट्स, डैशबोर्ड, कैबिन पूरा का पूरा, इवन के बाहर से जो बहुत ज़बरदस्त अभी तक जो मुझे ड्राइव का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए मस्टैंग में। मैं बाकायदा इस गाड़ी के साथ आई एम इन लव विद इट। तो मुझे प्यार हो गया इस गाड़ी से, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली है 2020-22, तो मुझे बिल्कुल बाकायदा पता चलता है कि क्या चीज़ कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं, चलाने में क्या है, बॉडी वाइज क्या है। तो पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि इट्स रिफाइंड वन। तो रिफाइन करके उन्होंने निकाली है, और क्या मज़ेदार इसकी ड्राइव है यार, बहुत मज़ा आया मुझे अभी ड्राइव करते हुए इसका। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेली ड्राइव गाड़ी है। पुरानी वाली को मैं नहीं कहता कि वो डेली ड्राइव, लोग करते हैं डेली ड्राइव, लेकिन वो एक अजीब सी उसकी ड्राइव है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं। सबसे जो मेन चीज़ नोटिसेबल चेंज है वो इसमें एक तो गेज क्लस्टर का और इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। हालांकि ये बहुत स्लो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लेकिन इट्स फाइन। बट गेज क्लस्टर आपको पुराना एनालॉग हटा के नया दे दिया गया है, डैशबोर्ड नया, स्टीयरिंग नया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, डिफरेंट ड्राइव मोड्स दे दिए गए, आपको चलाते हुए अभी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत इम्प्रेसिव चेंजेस हैं इसमें। इवन के एक्सटीरियर लुक आप देखें, इसको शार्पन कर दिया गया है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड लुक दी गई है। इवन के ये पुरानी शेप से काफ़ी मिलती है, लेकिन नोटिसेबल चेंजेस हैं। आपको पता चलेगा कि ये पुरानी है और ये नहीं। कुछ गाड़ियों में जब चेंज होता है तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि यार ये नई है या ये पुरानी है। इवन के जब आप बिल्कुल करीब आते हैं तो आपको पता चलता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द न्यू फोर्ड मस्टैंग, और फोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो ड्राइव तो मैंने आपको इस मस्टैंग की दिखा दी, अब इसकी पावर, इसकी हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, और वो चेक करते हैं। इन शॉर्ट, इट्स टाइम टू ड्रिफ्ट। तो ओके, इट्स गेटिंग आउट। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस करती है गाड़ी, ये देखिए। क्या बात है। ओके, अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, गाड़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है, बहुत ही अच्छा बैलेंस करती है। तो स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ है इसका, बहुत ज़बरदस्त अपने आप को उस जिस सिचुएशन में भी गाड़ी है उसमें कंट्रोल करके रखता है, और गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये थी फोर्ड की मस्टैंग 2024। अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो है कार की रिव्यूज़। गलती से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो उसके लिए माजरत। अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक चीज़ है तो आप मुझे इसी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।